Hi guys, welcome to Agile Mathematics Zone, Solution of Finding Mathematics. This is the lecture 11 of Partial Differential Equation and related to the method of solution of Partial Differential Equation, which means we have to solve the given Partial Differential Equation by various methods. And in this lecture, we are going to know that how many methods are there to solve a given Partial Differential Equation. Previous 10 lectures are uploaded on this channel, which are related to the formation of PDE by the elimination of arbitrary constant and the elimination of arbitrary function. So, if you're going to start the PDE, then please go and watch them, okay? In ordinary differential equation, you have also started from the formation of ODE. So, you can also start from PDE from the lecture 1, from the formation of PDE, okay? So, you may get clear idea about what PDE is related to. So, here we go, the method of solution of partial differential equation, how many ways we can solve a partial differential equation. So this is the basically theory section. In our next video, we solve the question of exercise 17.2. So देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? Solution of partial differential equation के तरीके. कितने तरीके हैं हमारे पास? Basically six, seven या eight तरीके हैं हमारे पास, जो हमारे BS Grewal में दिए हुए वही हमने discuss किए हुए. ठीक है? तो देखो पहला तरीका क्या है? By direct integration. सब के बारे में एक-एक करके चर्चा करेंगे क्या है. ठीक है? थोड़ा-थोड़ा. लेकिन अभी डिटेल बेसी बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे. बाकी सब जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें हम लोग करेंगे कि क्या किस तरीके से सॉल्व होंगे. ठीक है? तो सबसे पहला मेथड है बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन. मतलब सिर्फ इंटीग्रेशन करके हम क्या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं. और एक चीज़ आप जान लो कि आप लोग को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर अच्छे सीखना है तो आप लोग को पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए. तो आप लेक्चर 1 और लेक्चर 4 जरूर कंसल्ट करो इस चैनल पर जाके. इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई लेक्चर 1 लेक्चर 4 जरूर कंसल्ट करो क्योंकि उसमें पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझाया हुआ है. सो गो देयर एंड वॉच देम. और सभी जो लेक्चर्स हैं उसके लिंक दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग जाके देख सकते हो. ठीक है? तो देखो पहला डायरेक्ट इंटीग्रेशन है. दूसरा जो मेथड है हमारे पास, दूसरा मेथड है क्या हमारे पास? लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. मतलब लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर होगा, उसको सॉल्व करने के तरीके होंगे. वो अब हम सॉल्व कैसे करेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे. तो अभी हम लोग क्या डायरेक्ट इंटीग्रेशन के बारे में जानेंगे. पहले हम देख लेते हैं कि मेथड हमारे पास कितने हैं. तो दो मेथड हो गए, लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फिर नन लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है तीसरा मेथड हमारे पास. जो नन लीनियर अगर इक्वेशन आता तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे. फिर चौथा है चैरपिट्स मेथड. ठीक है? चैरपिट्स मेथड है, इसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप का इक्वेशन आता है तो उसके लिए चैरपिट्स मेथड लगता है. ठीक है? आगे चलते हैं. होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट. होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होगा जिसका कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट होगा. होमोजीनियस इक्वेशन आप जानते ही होंगे, इसका क्या होता है? डिग्री 2 होते हैं. ठीक है? डिग्री 2 मतलब डिग्री सेम रहती है होल आउट द इक्वेशन. मतलब पूरे इक्वेशन में उसकी डिग्री क्या रहेगी? सेम रहेगी. जैसे अगर 1 है तो 1 ही रहेगी, 2 है तो 2 ही रहेगी. तो क्लियर हो गया आइडिया. अगर आप लोग को इसमें भी क्लियर नहीं है तो आप लोग पार्शियल डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के होमोजीनियस वाले चैप्टर को अच्छे तरीके से देख सकते हो. ये हो गए हमारे पास 5 मेथड. और देखते हैं हमारे पास कितने मेथड है. और है नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन. ठीक? और है हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर. इतने मेथड्स हैं जो बी एस ग्रेवाल में दिए हुए हैं, इनके सॉल्यूशन के तरीके किस तरह होंगे यही हमें डिस्कस करने हैं. तो अभी हम लोग बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे. बाकी जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें हम लोग पार्ट बाय पार्ट डिस्कस करते जाएंगे. ठीक है? तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहें और बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन अच्छे तरीके से समझें. ये समझ जाएंगे तो आपको कोई भी आसान क्वेश्चन डायरेक्ट इंटीग्रेशन से आएगा, चाहे गेट एग्जाम में हो चाहे आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में हो, तो वो आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा. चलो चलते हैं इस पर क्वेश्चन पर. थियरी पार्ट है इसलिए हम क्या एग्जाम्पल्स यही समझाते हैं. तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन समझाना है तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम. दिया हुआ सॉल्व d2zy dx इंटू डी वाई इक्वल टू एक्स बाई वाई प्लस ए. यहाँ आप ए कॉन्स्टेंट मानना, जेड इक्वल टू क्या है? जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई है. ठीक है? मतलब फंक्शन ऑफ एक्स और वाई है. ठीक है? ये क्लियर होना चाहिए. जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स और वाई है और ए यहाँ कॉन्स्टेंट है. ठीक? ये क्या है हमारे पास? कॉन्स्टेंट. इसको हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन से क्या करना है? सॉल्व करना. तो चलो एक एक स्टेप करके देखते हैं क्या करना. तो हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ डी जेड बाई डी एक्स है और डी वाई. इंटीग्रेशन करने के लिए हम किस के रिस्पेक्ट में करते हैं इंटीग्रेशन? या तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे या डी वाई के रिस्पेक्ट में. तो यहाँ भी आप समझ लो कि अगर जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन करते थे आप, पार्शियल इंटीग्रेशन भी होगा. मतलब अगर डी एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स ही एक वेरिएबल होगा, वाई एक कॉन्स्टेंट रेट होगा. अगर डी वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो वाई ही वेरिएबल होगा, एक्स कॉन्स्टेंट होगा और जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई जो है वो तो एक वेरिएबल है ही. तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? हमें वैल्यू निकालनी है जेड की. मतलब जेड की एक इक्वेशन फॉर्म में आएगा, उसकी हमें वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ हम दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं.
बाकी सब हम एक्सरसाइज वाले में सॉल्व कर लेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। तो इसे इक्वेशन वन मान लिया जैसे हम लोग मानते हैं, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स से इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड पर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर, डी डी सॉरी डी टू जेड बाई डी जेड सॉरी डी टू जेड बाई डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी एक्स, ठीक है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो कि डी एक डी एक्स और एक डी एक्स कैंसिल हो गया, और डी टू जेड मतलब क्या होता है, डी इंटू डी जेड ये होता है, ठीक, डी इंटू डी जेड होता है ना। तो डी इंटू डी जेड क्या होगा, एक डी को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो डी क्या हो जाएगा, वन के बराबर आ जाएगा, ठीक है। मतलब कोई छोटे छोटे पार्ट को इंटीग्रेट करते जाओगे तो क्या हो जाएगा, एक वन के बराबर हो जाएगा। तो इंटीग्रेट किए तो क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास क्या, आगे देखते हैं नेक्स्ट लाइन में। और इस साइड आप लोग देख लो क्या होगा, एक्स बाई वाई डी एक्स, तो हम सिर्फ एक्स को ही वेरिएबल मानेंगे, वाई को क्या कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, और ए डी एक्स में तो ए कॉन्स्टेंट है तो डी एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्लियर है, इंटीग्रेशन के कंसेप्ट क्लियर होंगे तो यहाँ भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आगे चलते हैं, तो हमारे पास बचा क्या, डी जेड बाई डी वाई इक्वल टू वन बाई वाई, वन बाई वाई क्योंकि एक कॉन्स्टेंट था, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ए एक्स प्लस एफ वाई, ठीक है। एफ वाई यहाँ एक आप इंपॉर्टेंट टर्म समझ लो, एफ वाई, एफ वाई क्यों आया, ठीक है। अगर हम देखो, अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पर, सॉरी इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हमारे पास बचा क्या है, यहाँ पर वाई जो बचा वो क्या कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ वाई भी उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आपकी इच्छा, अगर आप सी भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, लेकिन एफ वाई लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर वाई है जो कॉन्स्टेंट है एक साइड में इंटीग्रेशन के लिए। तो क्लियर है, बुक में आपको इसी तरीके से मिलेंगे, तो आपको ये भी लिख सकते हो या आप कोई कॉन्स्टेंट भी लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। फिर से अब क्या करेंगे, देखो हमारे पास अब क्या बचा है, डी वाई सिर्फ बचा है, डी एक्स तो कहानी खत्म हो गया है, डी वाई बचा है मतलब। तो अब वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर बाई टू क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट रेट होगा, ए एक्स भी क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, एफ वाई तो कॉन्स्टेंट है ही, लेकिन एफ वाई जो है क्या, एक फंक्शन है वाई का, तो यहाँ एक कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, जब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई में तो क्या होगा, एक फंक्शन ऑफ वाई हो जाएगा। तो उसका भी कुछ इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी, वो आगे चल के हम पता कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ यज कर लेता हूँ सब चीज़। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो डी जेड बाई डी वाई ये हमारा इक्वेशन था जो निकला अभी, इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई के रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करेंगे तो डी वाई, तो यहाँ आप लोग देख लो डी वाई, ये डी वाई यहाँ कैंसिल होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड क्या हो जाता है, जेड हो जाता है, क्लियर है। और इक्वल टू वन बाई वाई इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स डी वाई प्लस एफ वाई डी वाई। देखो यहाँ पर ये जो है, ये वाला जो चीज़ है ये क्या है, एक फंक्शन है, ठीक। तो इसको हम कुछ एडिशनल मानना पड़ेगा, हमें कुछ एडिशनल मानना पड़ेगा, क्योंकि एज ए फंक्शन है ये, तो इसका हमें कुछ वैल्यू नहीं पता एफ वाई की, तो हमें कुछ एडिशनल मानना पड़ेगा जो हम आगे जाके पता करते हैं कि क्या मानने हैं उसको, ठीक है। और ए एक्स डी एक्स में तो ये क्या है, ए एक्स डी वाई में तो ये क्या है, ए एक्स कॉन्स्टेंट है, ए एक्स बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या बचेगा, चलो देखते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई बाई डी वाई प्लस ए एक्स डी वाई प्लस एफ वाई डी वाई, ठीक। तो जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग वाई बाई टू प्लस ए एक्स वाई प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स। अब सोचो यहाँ पर हमारे पास कहाँ तक टर्म था, यहाँ पर हमारे पास टर्म था किसके तक, यहाँ तक, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया होगा। आप सोच रहे हो ये जी वाई और एच एक्स कहाँ से आ गया, सोचने वाली ज़्यादा बात नहीं है कि एच एक्स, देखो एच एक्स जैसे हमने क्या किया था, जो इंटीग्रेट किए थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स में, उसमें क्या किए थे, वाई ला दिए थे एफ वाई, उसी तरह हम अगर वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हम क्या, एक्स से जो कॉन्स्टेंट रेट होगा तो एच एक्स हम इंक्लूड कर सकते हैं। ये बात तो आपको आसानी से समझ में आ गई होगी, लेकिन आप सोच रहे हो कि ये जी वाई कहाँ से आ गया, ये जी वाई कौन सी वाला है, ये कहाँ से आ गया। देखो अगर इसके इसकी वैल्यू हमें पता रहती, एफ वाई की वैल्यू हमें पता रहती, तो हमें क्या कुछ वैल्यू तो आता स्पेसिफिक, जो क्या है, जो फंक्शन ऑफ वाई होता, ठीक, फंक्शन क्या होता वाई का। तो फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन आप जान सकते हो, किसी भी नंबर से कर सकते हो फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन। तो फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन था तो किसी भी क्या, किसी भी न्यूमेरिकल, जैसे पी एक्स भी कर सकते हो, पी एक्स को भी एक फंक्शन बोल सकते हो, क्यू एक्स को भी एक फंक्शन बोल सकते हो, मतलब इसके भीतर जो है उस पर डिपेंडेंसी है, इसके बाहर वाले पर नहीं है, ठीक है। बाहर में आप ए बी सी डी कुछ भी लगा दो तो वो फंक्शन ही हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, ये भी, ये इसका रिजल्ट क्या होगा, एक फंक्शन ही होगा, अगर हमें एफ वाई की वैल्यू पता रहेगी तब। यहाँ पर तो पता नहीं है, तो मैंने कोई आर्बिट्ररी फंक्शन मान लिया जी वाई, जिसकी वैल्यू होगी, ठीक है, इंटीग्रेट करके, तो जी वाई मैंने वही कर दिया। तो आप लोग भी इसी तरह करोगे, जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो आप एफ वाई लोगे, और जब वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, सॉरी इंटीग्रेशन था पहला वाला पार्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे
तो क्या लोगे, एफ वाई लोगे, और वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो आप एनी में जी वाई या एच वाई या कुछ भी ले सकते हो आप अपने मन से, ठीक है। फंक्शन की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी तो यहाँ आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी कि ये क्या है। तो एग्जाम्पल अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। चलो एक थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल करते हैं जो हमारे क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट में है, ठीक है, जो हमारे बुक में बी एस ग्रेवाल में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तीन चार मतलब छः क्वेश्चन ही टोटल, उसमें से जो एक क्वेश्चन मैंने लिया है वो बहुत ही अच्छा है। ये तो बहुत आसान तो क्वेश्चन था, ये आप इंटीग्रेट करके समझ जाओगे। अगर समझ में नहीं तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से देखो, ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आ जाएगी। पार्शियल डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पार्शियल इंटीग्रेशन भी उसी टाइप से ही होता है, ठीक है। अगर क्लियर नहीं है तो आप लेक्चर 104 कंसल्ट कर सकते हो, तो उसमें कोई डाउट नहीं। अब चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये है, डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई जेड इक्वल टू जीरो, और गिवन दैट एक्स इक्वल टू जीरो और जेड इक्वल टू ई वाई डी जेड बाई डी एक्स। आप एक चीज़ नोट कर लेना, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखना भूल गया, एक चीज़ नोट कर लेना, जब आपका जेड जो है फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा, ठीक है, मतलब गिवन इक्वेशन में अगर देखो डी जेड बाई डी एक्स दिया हुआ है आपको, एक्स स्क्वायर बाई टू इन टू प्लस वाई ऐसा दिया हुआ है, तब आपके डायरेक्ट इंटीग्रेशन यूज करके बना सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन यूज करके बना सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपको दिया हुआ है कि डी जेड बाई डी वाई इक्वल टू जेड, तब तो भैया आपको प्रॉब्लम हो गई, हो गई ना प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास क्या है, क्योंकि हमारे पास जेड है, वाई तो है नहीं, कैसे करेंगे। तो आप सोचोगे इसको यहाँ ले आएंगे, उसको यहाँ ले आएंगे, वैसे भी हो जाएगा। अगर सोचो ये तो सिंपल एग्जाम्पल था, तो उसको क्या करिए, हम ऊपर नीचे कर दिए तो हो गया उसका आंसर। अब देखो इंटीग्रेट करके इसको बना के दिखाओ, आप लोग इसको बना के दिखाओ तो मान जाओ ये बनेगा, नहीं ना, इसको इस तरह से नहीं बना सकते हैं जैसे हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन से, है डायरेक्ट इंटीग्रेशन का ही बात लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो क्या करना होगा इसमें हम देखते हैं। हम तो बातें क्लियर हैं कि किसमें लगेंगी, किसमें क्या लगेगा, ठीक है ना, जैसे इंटीग्रेशन किसमें लगेगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन किसमें लगेगा, जिसमें क्या एक्स और वाई में दिया हुआ है गिवन इक्वेशन, इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं लगेगा क्योंकि एक्स और वाई इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो ये देख लो, डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस जेड इक्वल टू जीरो दिया हुआ है हमारे पास, बातें दिखाई दे रही होंगी, क्लियर होंगी, ठीक, क्वेश्चन तो क्लियर होगा। और एक कंडीशन दिया हो जो हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया गया, पर्टिकुलर सोल्यूशन इसका, ये भी दिख रहा होगा। इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग याद करो, अगर यहाँ पर आप ऐसे रहता, ठीक है, डी टू एक्स बाय सॉरी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस जेड इक्वल टू अगर जीरो रहता, तब आप इसे कैसे सॉल्व करते, याद करो कुछ। अगर आप लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा चैप्टर 13 में जो भाई देवाल के हैं, अगर वो आपने पढ़ा होगा तो इसको इसके कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होगा, ठीक है, कि अगर इसको सॉल्व करना है हमें तो क्या करेंगे हम, इसके हम क्या डी वाई बाई डी एक्स को क्या डी वाई बाई डी बाई डी एक्स को क्या लिखते हैं, डी ऑपरेटर डी में लिखते हैं, और डी स्क्वायर वाई हो जाएगा यहाँ पर प्लस जेड, इसमें क्या करते थे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते थे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास राइट साइड अगर होता था तब निकालते थे, यहाँ पर तो राइट साइड नहीं, तो हमारे पास क्या ही कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही सिर्फ हमें निकालना होगा, तो यहाँ क्लियर है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी निकालेंगे। तो क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ है कि डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस जेड इक्वल टू जीरो, यहाँ पर जेड क्या है, सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स है। अगर मैं बोलता ही ना होगा तो हो सकता है आपको समझ में आए, तो मैं दिखाता हूँ क्या हुआ है, ठीक है। एक्चुअली तो इफ जेड वेयर द फंक्शन ऑफ एक्स अलोन, देन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, मतलब कम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ, ये बात तो आपको याद होगा। अगर रियल है तो क्या होगा, सी वन ई टू द पावर ए एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर बी ए सॉरी ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स, ऐसा था। अगर क्या है कम्प्लीट क्या है आपके पास, अगर इमेजिनरी है तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर अल्फा एक्स सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स, ये है हमारे पास कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला। ये दोनों आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन देख लो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियो जाके इसी चैनल पर अपलोड है, देख लो उसके बने हुए हैं उसके चार्ट्स, ठीक है, चार्ट्स बोल रहा हूँ, प्ले लिस्ट बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे सी एफ वाला, तो सी एफ वाला अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा डी स्क्वायर प्लस जेड इक्वल डी स्क्वायर वाई सॉरी डी स्क्वायर वाई तो यहाँ नहीं है, यहाँ पर क्या है डी स्क्वायर जेड प्लस जेड इक्वल टू जीरो, अगर जेड कॉमन लेते तो क्या डी स्क्वायर प्लस वन इंटू जेड इक्वल टू जीरो, ये होगा। तो डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, होगा ना माइनस वन, तो डी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट माइनस वन,
ठीक, अंडर रूट माइनस वन के का वैल्यू क्या हो जाता है, प्लस माइनस आई। प्लस माइनस आई मतलब इसमें अल्फा का वैल्यू क्या आता है, 0। अब बीटा का वैल्यू क्या आता है, बीटा का वैल्यू होता है 1। ठीक, अगर ये क्लियर नहीं है तो आप लोग प्लीज प्लीज जरूर जाके आप लोग देख लो पीछे वाला वीडियो। ठीक है, पीछे वाला वीडियो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर जो दिया हुआ वो जाके जरूर देख लो, ताकि वहाँ आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए इसकी, तो ज़्यादा दिक्कत ना हो, समझने में दिक्कत ना हो। मेन चीज़ क्या, अगर आप लिख लोगे कुछ कर लोगे वो दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाना चाहिए बातें। समझ में आने के लिए आपको पिछले वाले वीडियो देखनी जरूरी है, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो यहाँ क्लियर है कि कैसे आया, अगर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पता चल गया होगा आप लोगों को। तो क्या आ सकता है, जेड इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ए और बी हम क्या मान लिए, एक कॉन्स्टेंट है, सी वन सी टू जगह ए और बी मान लिए। और यहाँ क्या है, जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, देखो जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन में किया था कि जब इंटीग्रेट कर रहे थे एक्स के रिस्पेक्ट में तो आप एफ वाई ला रहे थे एडिशनल कॉन्स्टेंट टर्म, तो यहाँ पर भी अगर हम ए और बी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और यहाँ क्या जे एक्स है जो फंक्शन ऑफ जेड है, ठीक है, तो एफ वाई क्या है, कॉन्स्टेंट हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, ए का जगह क्या कर देंगे, एफ वाई लिख देंगे, और बी की जगह क्या कर देंगे, जी वाई लिख देंगे। ये भी एक कॉन्स्टेंट की तरह ही है, क्योंकि यहाँ मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, पी डी ई क्या है मेरे पास, डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर में। तो बातें क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ना तो सॉल्यूशन क्वेश्चन, और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू एफ वाई साइन एक्स प्लस जे वाई कॉस एक्स। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ये भी है, तो हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू एफ वाई कॉस एक्स माइनस जी वाई साइन एक्स। तो ये बातें आप लोगों ने की होंगी कि डी जेड बाई क्या हो गया यहाँ पर, कि एफ वाई यहाँ कॉन्स्टेंट है, जी वाई कॉन्स्टेंट है। ठीक, क्योंकि जी वाई कॉन्स्टेंट है, एफ वाई कॉन्स्टेंट है, इसीलिए क्या है, ये कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, और हमारे पास जो कंडीशन दी हुई थी, ठीक है, एक चीज़ आप देखो, कंडीशन ये जो हमारे पास कंडीशन है, ठीक है, ये जो हमारे पास कंडीशन है, इस कंडीशन को यूज करके व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो, जब एक्स की वैल्यू अगर जीरो है तो डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये डी जेड आप पार्शियल डेरिवेटिव समझना, ठीक है, डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू 1 है, तो मैंने यहाँ सब बैठाया तो देखा क्या कि कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, तो जी वाई वाला टर्म 0, एफ वाई इक्वल टू क्या हो गया, एफ वाई कॉस 0 इक्वल टू 1, तो एफ वाई इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर है अंडरस्टैंडिंग, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लो, ठीक है, क्योंकि डाउट नहीं रहना चाहिए, ये सब बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, हमने पिछले में क्या किया था, पिछला वाला में क्या क्या देख लो आप लोग, तो यहाँ हमने एफ वाई की वैल्यू 1 निकाल ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर हम जेड इक्वल टू ई टू दी पावर वाई सब्सटीट्यूट करके देखेंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो एट एक्स इक्वल टू 0 आप लोग यहाँ देख सकते हो, एट एक्स इक्वल टू 0 जेड इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन को, क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू एफ वाई साइन 0 प्लस जी वाई कॉस 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो जी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई टू दी पावर वाई। तो आप लोग एक चीज़ यहाँ ठीक कर लेना, ई टू दी पावर एक्स की जगह क्या है, ई टू दी पावर वाई है। ठीक है, ये अब एक चीज़ खाली चेंज करना आप लोग को, ठीक, ई टू दी पावर जी एक्स, ई टू वाई इक्वल टू जी एक्स हो, जी वाई हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फुल्ली, तो देख लो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ वाई की वैल्यू 1 है, जी वाई की वैल्यू ई टू दी पावर वाई है, तो सॉल्यूशन हो जाएगा जेड इक्वल टू 1 इंटू साइन एक्स प्लस ई टू दी पावर वाई कॉस एक्स। हमारे पास जो इक्वेशन था क्या था, एफ वाई साइन एक्स प्लस जी वाई कॉस एक्स, ये था हमारे पास इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है बातें, ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपको कोई डाउट हो, ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ एक और देख लो आप लोग, ठीक है, कि यहाँ तो आपको बातें क्लियर होंगी, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। अच्छा, तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को अगर नए हो इस चैनल पर, और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो शेयर जरूर करना आपके फ्रेंड के साथ, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही।